हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में रिएक्ट करने वाले हम एक नई वेब सीरीज पे, कवि कस्तूरी नाम है, ये रोमांटिक वेब सीरीज है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। जब से कस्तूरी इस गांव में आई है ना, तब से मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा है, ना ट्रेनिंग में। मैं दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहा। नालायक बाप हूँ तेरा, कुछ तो शर्म कर ले। किस तरह की बातें कर रहा है तू मेरे से? डीके फिल्म्स प्रेजेंट्स सैदपुर। ख्वाबों के पार मैंने जाके देखा। सामान उठवाता हूँ, मदद की जरूरत पड़ेगी तो पक्का मांग लेंगे, अभी रहने दे। मुझको मिला तू। भैया 1 किलो गुलाब जामुन पैक कर देना। 10 मिनट लगेंगे, लड़का अभी घेवर छान रहा है। घेवर छोड़, मैडम के लिए गुलाब जामुन पैक कर दे। बार भी मेरे 2 साल हो गए, तब से कह रहा हूँ कोई ढंग का कॉलेज ढूंढ के एडमिशन ले ले, अगर नहीं लाड साहब तो बस अपनी धुन में चलते। तू पहले मुझे बता हम कहाँ जा रहे हैं। चरणजीत भैया के यहाँ पे रोका है। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मैं 1 किलो गुलाब जामुन भी लेकर आऊँ। तूने कभी बताया नहीं कि इतने खूबसूरत दोस्त थे भैया। वो कस्तूरी नहीं आई है ना सैदपुर में। भाई कभी मेहमान को घर तक छोड़ कर आओ। आप फेसबुक पे तो होगे, ढूंढ लो। एंजल प्रिया के नाम से नहीं होगे तो पक्का ढूंढ लूंगा। तू सारा दिन फोन पे लगा रहता ना, इसलिए तेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता। यार आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? तेरा ध्यान जितना भटका हुआ है ट्रेनिंग से, तुझे नहीं लगता वो काफी है जो तू इन सब चक्रों में पड़ रहा है? देख बाप मत बन, इधर बैठना है तो बैठ, नहीं तो निकल चल। अच्छा मुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। कहेगी ट्रेनिंग कर रहा है। 4 मिनट और 23 सेकंड। ये सब चल रहा है हमारी नाक के नीचे ना? नाक के नीचे? अरे मतलब गांव में ये सब चल रहा है। अच्छा चाहता क्या है तू? मेरा कस्तूरी से ब्याह करवा दो बापू। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तुम बाहर जाओ। 2 मिनट लड़की तुम्हारे साथ बात क्या कर ले? तुम सोचते हो बस वो तुमसे पट गई है? तेरी वजह से आज नाक कट गई मेरी। अच्छा अच्छा ओके, अब वो जाग जाएगा, वो क्या करेगा ये देखना है। बोल। आज के बाद उस लड़की से मिलेगा नहीं, समझा? स्टोरी तो बेसिक ही लग रही है। अचानक से मुझे यूनिट से कॉल आ गया। मैं नहीं जाने दूंगी। जल्दी आना भैया। अच्छा वो सुधर जाएगा, वो आर्मी में जाएगा। हमारे बेटे के सीने में कोई एग्जाम नहीं देगा बेटा, तुझे जो करना है तू कर। इस घर को रोशन करने वाले को खो चुका, अब घर की रौनक नहीं खो सकता मैं। बेटे की चिंता नहीं। अच्छा डायलॉग। कमजोर कर दिए। आप कमजोर हो सकते हैं पर मैं नहीं। और कभी इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करेगा। ये एक और अच्छा डर। ओ हीरो, सुबह के 5 बज रहे हैं, प्रैक्टिस पे नहीं जाना? लक्ष्य क्या सस्ता वर्जन है, मगर लक्ष्य से बेटर लग रहा है। अच्छा वो भी मर जाएगा क्या फिर? तो गाइस ये था ट्रेलर कवि कस्तूरी का। वैसे तो वेब सीरीज बोल रहे हैं, ये तो पूरी मूवी ही लग रही है मुझे। और बेसिक वही मसाला है इसमें, जो लक्ष्य की स्टोरी थी वही इसकी स्टोरी भी है। वो प्यार करता है, वो मना कर देती है, फिर उसका हो जाए। इसमें बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने एड ऑन कर दिया कि उसका एक भाई है वो भी आर्मी में था। हाँ ठीक है, लक्ष्य को भी काफी टाइम हो गया तो इसको भी वी कैन गिव अ चांस। और ठीक ठाक है, फैमिली ड्रामा है, देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है बट या ऑब्वियसली वी कैन वॉच इट। एक काय पे आएगा वो अभी समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कोई ओटीटी एसोसिएशन दिखाया नहीं गया इसका। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।